हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कंपैरिजन करेंगे वीवो V20 में और पोको X2 में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले से। वीवो की है 6.44 इंच की रेजोल्यूशन है 1024x24 पिक्सल और इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले का यूज किया गया है। और पोको के जो डिस्प्ले हैं वो 6.67 इंच की हैं, रेजोल्यूशन है 1024x24 पिक्सल और इसमें IPS ऐसे डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। और इसमें आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले भी दी गई है और डिस्प्ले के मामले में वीवो आगे है क्योंकि इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। बात करते हैं प्रोसेसर की। वीवो का है स्नैपड्रैगन का 720G का CPU है 2.3 GHz ऑक्टेकोर का और इसमें 8 नैनोमीटर का फिनफैट और उसका GPU है 618 का। और पोको का जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का है 730G का CPU है 2.2 GHz ऑक्टेकोर का और उसमें 8 नैनोमीटर का फिनफैट और उसका GPU है 618 का। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। वीवो का है एंड्रॉयड 11 और पोको का है एंड्रॉयड 10। बात करते हैं बैक कैमरे की। वीवो का जो बैक कैमरा है वो ट्रिपल है 64+8+2 मेगापिक्सल का और पोको का जो बैक कैमरा है वो क्वाड में है 64+8+2+2 मेगापिक्सल का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। वीवो का है 44 मेगापिक्सल का और पोको का है डुअल 20+2 मेगापिक्सल का। बात कर लेते हैं बैटरी की। तो वीवो में दी गई है 4000 mAh की और पोको में दी गई है 4500 mAh की और दोनों फोन बैटरी नॉर्मल हैं। आप दोनों की बैटरी को निकाल सकते हैं। बैटरी के मामले में पोको आगे हैं। बात करते हैं चार्ज की। तो वीवो में 33 वाट का, पोको में 27 वाट का। दोनों फोन में टैप्स का सपोर्ट दिया गया है और फिंगरप्रिंट सेंसर और फेसर दोनों फोन में दिया गया है। बात करते हैं सिम की। तो वीवो में आप 2 सिम और 7 मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, लेकिन आप पोको में 1 सिम या फिर आप दूसरी में फ्रेश कार्ड डाल सकते हो। बात करते हैं रैम की। तो वीवो में 8 GB की, पोको में 6 GB और 8 GB की। बात करते हैं मेमोरी की। तो वीवो में 128GB 256GB की और पोको में 64GB 128GB 256GB की। बात करते हैं प्राइस की। वीवो का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 24,999 और पोको के 17,999। तो फिर आपको दोनों फोन से कौन सा फोन पसंद है कौन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।